नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंशु। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों का। सपा द्वारा निकाली गई साइकिल रैली में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में जगदीश सिंह चौहान सदस्य बुंदेलखंड बोर्ड ने सपा द्वारा साइकिल रैली में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने को लेकर कहा प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के तहत कार्रवाई करेगा। अन्न महोत्सव पर सरकार द्वारा लोगों को किए गए सम्मानजनक अन्न वितरण को लेकर उन्होंने कहा भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को लेकर चलती है। पूर्व की सरकारें यदि जनता को कुछ देती थी तो ऐसा लगता था जैसे भीख में दे रही है। मोदी जी योगी जी द्वारा जनता को दिया जा रहा सहयोग सम्मानजनक रूप से दिया जाता है। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट। देखिए, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है और पूरा विश्व जब वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, भारतवर्ष भी उसमें हम लोग बड़े संकट से निकले हैं, तो हम सभी इस भारत के जितने भी नागरिक हैं, हम सबका फर्ज है, चाहे हम राजनीति करें या सर्विस करें, सबका ये फर्ज है कि हम बचें और दूसरों को बचाएं। तो ये हमारे दृष्टिकोण से क्या मानवता के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है और हम आंदोलन करें लेकिन जो हम भी स्वस्थ रहें और दूसरे को स्वस्थ रहें, इसलिए ये तो बहुत ही गलत है और निंदनीय है। और शासन ने, शायद प्रशासन ने कुछ कार्रवाई भी की है इस पर, जो बगैर मास्क के लोग आंदोलन कर रहे थे और इसमें जो लोग ऐसे उल्लंघन करेंगे अगर कोविड 19 का खिलाफ कार्रवाई होगी। जनता को क्या संदेश? सबसे बड़ा तो आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त को अन्न महोत्सव के रूप में मनाया गया है। पहले जो सरकारें हुआ करती थी, अगर कोई चीज दे रही हैं तो ये ऐसे देती थी जैसे कोई हम किसी गरीब आदमी को दे रहे हैं या जैसे हम भीख दे रहे हैं उसको। मोदी जी ने इस जो कोरोना के दौरान जो लोग ऐसे थे, गरीब तबके के लोग थे या परेशान थे, निचले तबके के लोग या मध्यम श्रेणी के लोग, उनके लिए उन्होंने अन्न वितरण का काम आज किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अन्न वितरण का काम हुआ है तो उसमें हम लोगों ने अन्न महोत्सव का नाम दिया है मोदी जी ने, और सम्मान से हम लोगों ने बुला के राशन की दुकानों पे बुला के सभी जरूरतमंदों को आज राशन बांटा गया है। और निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील सरकार है केंद्र में, और जो दर्शन है हमारा दीनदयाल उपाध्याय का, वो उस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी अच्छा सा चल रही है। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।